नमस्कार सभी देशवासियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जी हां, आज 24 अप्रैल है और इसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी देश भर की ग्राम पंचायतों के साथ सीधा वार्तालाप करने वाले हैं। तो जी हां दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जी हां, पंचायत राज को संस्थागत रूप देने के साथ ही 24 अप्रैल 1993 को एक निर्णायक क्षण आया जब संविधान के अधिनियम 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और यह अधिनियम इसी दिन से प्रभावी भी हो गया। पंचायत राज मंत्रालय हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस अवधि को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। यह अवसर पूरे देश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान करता है और साथ ही उनकी उपलब्धियों को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो इसी मौके पर देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, तो वो आज देश भर की ग्राम पंचायतों के साथ वार्तालाप करने वाले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी शुक्रवार यानी आज 24 अप्रैल को देश भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप करेंगे। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। एकीकृत पोर्टल पंचायत राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य स्वराज्य विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक के द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी भूमि के सीमांकन के लिए ग्रामीण भारत हेतु एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन का समाधान प्रदान करती है। हर वर्ष इस अवसर पर पंचायत राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधारण के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता देते हुए पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है। इस वर्ष भी इस तरह के 3 पुरस्कारों नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार को संबंधित राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को दिया जाएगा। तो जी हां दोस्तों, आज इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जो है वो देश के विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ जो है वो सीधा संपर्क करने वाले है। आमतौर पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को व्यापक स्तर पर एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाता है और आमतौर पर दिल्ली के बाहर आयोजित किया जाता है। कई मौकों पर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहते हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के झांसी में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन करने और देश भर की ग्राम सभाओं को और पंचायती राज संस्थानों को संबोधित करने के लिए अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी थी। लेकिन देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए 24 अप्रैल 2020 शुक्रवार यानी आज को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को डिजिटल रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। हर वर्ष इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता देते हुए पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत भी करता रहा है। पुरस्कारों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना और ई पंचायत पुरस्कार। इस वर्ष लॉकडाउन के कारण केवल 3 श्रेणियों के तहत पुरस्कार, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार को संबंधित राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा। अन्य 2 श्रेणियों के पुरस्कारों को अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्य को प्रक्रिया पूरी करने के बाद अलग से इसकी जानकारी दी जाएगी जो कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई है। तो जी दोस्तों, इसी अवसर पर माननीय देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी
तो आज देश भर के ग्राम पंचायतों के साथ सीधा वार्तालाप करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक देके रखा है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कॉमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।